कमल का फूल सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं होता, बल्कि कई सारे गुणों से भी भरपूर होता है। कमल की जड़ में सेहत के लिए ज़रूरी फाइबर, आयरन, पोटेशियम, विटामिन सी, प्रोटीन जैसे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। इसकी जड़ों को कमल ककड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल सब्जी, अचार के साथ ही और कई भी तरह की डिशेस बनाने में किया जाता है। इसका सेवन करने से खून की कमी भी दूर होती है, शुगर कंट्रोल रहता है और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। पूर्व आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष पंत ने बताया कि डायबिटीज़ रोगियों को अपनी डाइट में कमल ककड़ी को ज़रूर शामिल करना चाहिए, इससे उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। तो आइए सुनिए पूर्व आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष पंत ने आगे इस बारे में क्या बताया। कमल को संस्कृत में पद्म, उत्पल, जलज कई नामों से जाना जाता है। औषधीय प्रयोग में ज्यादातर लाल रंग के फूल को लिया जाता है। वैसे नीलोत्पल यानी नीला कमल जो होता है, उसकी जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं, पंखुड़ियां क्या बल्कि उसकी जो केसर कहते हैं, पुंकेसर, उनका उपयोग कई औषधियों में किया जाता है। जैसे एक शंखक शिरोरोग होता है, सिर का एक दर्द होता है, बहुत तीव्र होने वाला दर्द, तो आयुर्वेद में उसे शंखक बोलते हैं। उसमें शतावरी, काला तिल, धूप, पुनर्नवा और कमल के केसर को पीस करके लेप किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। गंजापन होने पर कमल पीस कर लगाएं सिर में, बड़ा लाभ होता है। इसके अलावा सिर में रूसी होने पर कमल के जो केसर होते हैं, वही मैंने जो बताया, एक तो पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स, वो पेटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके जो है जो अंदर पुंकेसर होते हैं पतले पतले धागे जैसे, उनकी बात कर रहा हूँ। वो पुंकेसर को जो है 2 ग्राम को 2 ग्राम आंवले में पीस कर मुलेठी के साथ मिला करके सिर में लगाने से जो रूसी होती है, डैंड्रफ, वो ठीक हो जाती है। इसी तरह मैंने बताया गंजापन होने पर कमल, बहेड़ा, अश्वगंधा, तिल ये पीस करके अगर लगाए जाएं तो गंजापन दूर होता है। कमल की जड़ चबाने से जो डेंटल कैरीज होती है, आम भाषा में तो उसे दांतों का कीड़ा बोलते हैं, लेकिन दांतों का कीड़ा नहीं होता वास्तव में, वो दंत क्षय होता है, डेंटल कैरीज, उसमें आराम मिलता है। कमल के बीज के चूर्ण को शहद के साथ देने से खांसी में आराम मिलता है। जिसको ब्लीडिंग पाइल्स किसी को हो रही हो तो उसमें कमल के केसर, वही पुंकेसर, इसको मक्खन के साथ मिला करके और शक्कर के साथ मिला के दिया जाए तो उसमें ब्लीडिंग पाइल्स में लाभ होता है। एक बीमारी होती है गुदभ्रंश यानी प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम, इसमें गुदा जो है वो बाहर निकल जाती है, उसमें कंट्रोल नहीं रहता उसका, तो उसमें कमल के पत्ते का चूर्ण शक्कर के साथ दिया जाए तो बहुत लाभ करता है। एक कमल नाल होती है, कमल नाल उसको कमल ककड़ी भी बोलते हैं, कमल की जो जड़ होती है, कमल की जड़ वैसे तो औषधीय रूप में भी अगर देखा जाए तो 2 ग्राम कमल की जड़ का पाउडर लाल चंदन और शक्कर के साथ दी जाए तो रक्त पित्त जो आयुर्वेद में बोलते हैं, जिसे कि एपिस्टैक्सिस एलोपैथी के अनुसार बोलते हैं, यानी कि नाक से या और दूसरे जगह से खून निकलना, उसमें आराम मिलता है।